हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके गूगल एड्स आते हैं, अब आपके पॉपअप आते हैं मोबाइल में, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो आप उसको कैसे ब्लॉक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आप अगर ऐसे जो ऐड आते हैं, जैसे कोई भी आप साइट ओपन करेंगे तो आपको ऐसे पॉपअप देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ सर्च किया और आप जब कोई भी दूसरी भी साइट जाते हैं, वही चीज़ आपको सर्चिंग पे दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स। तो इस जैसे ये ऐड है, आप देख सकते हैं, तो इन सब ऐड को आप कैसे हटा सकते हैं और कैसे आप इसको रिमूव पूरी तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरह से बताने वाला हूं फ्रेंड्स। मैं हूं ब्रिज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रिजटेक। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं अपने पॉपअप ऐड्स को। तो आप इस तरह से कोई भी ऐड साइट अपना जब खोलते हैं तो आपको ऐसे ऐड देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने सेटिंग में जाना है। और मैं आपको कोई ये नहीं करूँगा क्रोम से आप बंद कर दीजिए पॉपअप को, इसको बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, नहीं। आपको मैं जो सेटिंग बता रहा हूँ, इसको आपको सेटिंग पूरा जो है आपको ध्यान से देखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ देखेंगे आपके सेटिंग, आपका जो एंड्रॉयड रहेगा 9, 10, 11 और 12 तक ये काम करता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर इसको देख लें कि आपका यही है या वर्जन नहीं है आपका एंड्रॉयड का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन एंड शेयरिंग में आ जाना है। ये तो मेरा अभी रियलमी का फ़ोन है, तो इस तरह से हमको दिखाई पड़ रहा है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स हमको क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेट DNS, इसको देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये देख रही है प्राइवेट DNS, इसको हमको क्या करना है, इसी को ओपन करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन करने पर फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे हम ओपन करेंगे और यहाँ पे प्राइवेट DNS आ गया। तो आप इसमें देख रहे होंगे आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑफ, ऑटो एंड डिजाइन प्राइवेट DNS। तो उसको हमको क्या करना है, इसमें तीसरा ऑप्शन जो है इसमें हमको सिलेक्ट करना है, इसको टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया ऑप्शन आ रहा है, आप वाले में इसको क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमको क्या करना है, मॉडिफाई की जगह मैं इसको क्रिएट पर करता हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, आपको यही अपना इसमें लिखना है dnsads.com। आपको DNS प्राइवेट DNS में आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये चीज़ आपको dnsads.com जो है इस पर आपको करना है और उसको सेव कर देना है। सेव करने पर फ्रेंड्स इसी पे क्लिक करके आपको बैक आ जाना है। आप जब बैक आएंगे तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे अब चलते हैं हम अपने जहाँ पे हमको ऐड दिखाई पड़ रहा था उस वाले साइट पे। तो ये देखिए हमारा साइट ओपन हो चुका है क्रोम पे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए आप देख सकते हैं जितने भी हमारे एड्स थे वो क्या हो गए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये एड्स। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए जितने नीचे जो ऐड आ रहे थे ये ऐड, ये सब जो है ब्लैंक हो चुके हैं। यहाँ पे जो ऐड आ रहे थे वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुके हैं और ये 100% वर्किंग ट्रिक है फ्रेंड्स, कोई फेक नहीं है। तो प्लीज़ इसको आप स्टेप बाय स्टेप अपनाएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स। और इस तरह से आप अपने सेटिंग को चेंज करके अपने पॉपअप्स, चाहे जो भी साइट हो उसका, आप पॉपअप्स ऐड उसका ब्लॉक कर सकते हैं, अपने गूगल एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी आप किसी भी साइट के एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके जरूर क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।